हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर दास का जीवन परिचय, जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, सबसे पहला आप इस प्रकार से हेडिंग लिखेंगे, जीवन परिचय, ठीक है। देखिए, इसमें आगे लिखेंगे संत कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था, ठीक है। यानी कि संत कबीर दास का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यदि आप इनके विक्रमी संवत लिखना चाहते हैं तो 1398 में 57 वर्ष ऐड कर देंगे, ठीक है। जो विक्रमी संवत चलता है वो 57 वर्ष आगे चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1455 विक्रमी संवत, ठीक है। विक्रमी संवत भी लिख सकते हैं और इनका सन भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। संत कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। यानी कि उनके पिता का नाम क्या था? नीरू, और माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। यानी कि कुछ विद्वानों का मत है कि कबीर दास जी जो थे वो एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोकलाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। यानी कि जो विधवा ब्राह्मणी स्त्री थी, उसने लोकलाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू एवं नीमा को ये कहीं पड़े हुए मिले, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, नीरू एवं नीमा को ये लहरतारा तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, ठीक है। और इन्होंने इनका पालन पोषण किया। जो नीरू एवं नीमा है, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। यानी कि जो कबीर के गुरु थे वो प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी दो संताने थी, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। उसके बाद देखिए, इसमें आगे देखेंगे, अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर सन 1519 ईस्वी में मगर में स्वर्गवासी हो गए। यानी कि जो कबीर दास की मृत्यु हो गई थी 1519 ईस्वी में, मगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो देखिए, क्लास 10th में आपको केवल जीवन परिचय पूछा जाता था, लेकिन 11th क्लास में आपको साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों ही करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 12th क्लास में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, साहित्यिक परिचय इस प्रकार से हेडिंग लिखनी है, और इसमें आगे लिखना है कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। यानी कि जो संत कबीर दास जी थे वे पढ़े लिखे तो नहीं थे, उन्होंने स्वयं ही कहा है। यानी कि संत कबीर दास ने स्वयं कहा है, क्या कहा है? मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि मसीह कागज छुयो नहीं, मसीह कागज का मतलब है स्याही, और कागज को छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उनके हाथ में कलम नहीं गया, ठीक है। उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को नहीं लिखा है। यानी कि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को नहीं लिखा है, उनके शिष्यों ने ही लिखा है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ बोला है। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी कि इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में अगाध मंगल, अनुराग सागर, उग्रता, कबीर की वाणी, बीजक आदि, यानी कि इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, जो कि इसमें कुछ हमने लिखे हैं, जैसे अगाध मंगल, अनुराग सागर, उग्रता, कबीर की वाणी, बीजक आदि, ठीक है। इस प्रकार से इनके बहुत से ग्रंथ हैं। अभी तक यह निश्चित नहीं किया गया है कि ये ग्रंथ कबीर दास द्वारा, यानी कि कबीर द्वारा ही इन ग्रंथों का निर्माण हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अभी तक निश्चित नहीं हुआ है कि ये ग्रंथ कबीर दास जी द्वारा रचित है या नहीं। उसके बाद देखिए, हमने इसमें इनकी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, साखी, सवद, रमेनी, ठीक है। इनकी दो तीन इस प्रकार से रचना लिख देनी है, साखी, सवद, रमेनी। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से संत कबीर दास का ये जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।